गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं के अग्रवाल, और आज मैं जो लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ उसका टॉपिक होगा फाइल सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स के कोड CS 203 से लिया गया है, और इसके जो कंटेंट्स हैं वो हैं फाइल कंसेप्ट्स हैं, फाइल एट्रीब्यूट्स हैं, फाइल ऑपरेशंस हैं और फाइल टाइप्स हैं। ठीक है, कंटेंट्स क्या क्या हैं इसमें, फाइल कंसेप्ट्स हैं, फाइल एट्रीब्यूट्स हैं, फाइल ऑपरेशंस एंड फाइल टाइप्स। ठीक है, फिर फाइल कंसेप्ट, फाइल होता क्या है, बेसिकली फाइल क्या होती है फाइल। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन ए सेकेंडरी स्टोरेज, मीन्स कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन है ठीक है उसको स्टोर कहाँ करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज पे। तो जब उसको सेकेंडरी स्टोर पे स्टोर करेंगे उसके लिए अपन पर्टिकुलर नेम देना पड़ेगा उसके लिए, तो क्या था फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पर क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, रिलेटेड मीन्स एक दूसरे से संबंधित इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तभी वो फाइल कहलाएगी। ठीक है, द फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड एंटिटीज, द फाइल क्या है, कलेक्शन है किसका, रिलेटेड एंटिटीज का। जैसे है इसमें फाइल्स में कौन कौन से है, इसमें किससे मिलकर बनती है फाइल, रिकॉर्ड से मिलकर बनती है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड से मिलकर बनती है फाइल। ठीक है, फिर नंबर ऑफ फील्ड्स से मिलकर बनता है रिकॉर्ड, तो इस तरह से ये इसकी एंटिटीज होंगी। द ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स डेटा इन्फॉर्मेशन कमांड्स यूज विद ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड फाइल, मीन्स फाइल्स के अंदर क्या चीज हो सकती है, क्या स्टोर हो सकता है, डेटा स्टोर हो सकता है, इन्फॉर्मेशन कोई भी है, ठीक है, कमांड्स हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम्स हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, फाइल्स कहलाते हैं। इसके बाद फाइल के एट्रीब्यूट्स, तो हम फाइल को जब हम स्टोर करते हैं कि उसके साथ में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, तो कहलाते हैं इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो फाइल का एक तो नेम होता है, नेम जिससे कि हम फाइल को पहचानते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन किस नाम से स्टोर की थी, तो उसका हो गया नेम है। एक होता है इसका आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर क्या है, तो आइडेंटिफायर इसे यूनिक टैग और नंबर, मीन्स एक यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे कि हम उस फाइल को, उस जो इसके फाइल सिस्टम होता है उन फाइल सिस्टम में कहाँ स्टोर है, उसके साथ क्या क्या और इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, ये किसके लिंक होती है, ये इसके यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे इसको बोलते हैं इनोड नंबर भी कहते हैं। ठीक है, यह कैसा होता है, इसको इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन टू रीड द आइडेंटिफायर, यह ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है टाइप, तो टाइप क्या है, फाइल की टाइप को बताता है, फाइल की पहचान को बताता है, फाइल किस कैटेगरी की है, ठीक है, किस प्रकार की है फाइल। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रकार की फाइल है, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव फाइल्स है जिसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए exe एक्सटेंशन नेम होगा। ठीक है, कोई वर्ड की फाइल है या फिर कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई आर्चिव फाइल है, तो इस तरह की अलग अलग फाइल्स होती हैं और उनकी फाइल के जो एक्सटेंशन नेम होता है उसके द्वारा फाइल की पहचान होती है। ठीक है, फिर है साइज है, तो फाइल का साइज मीन जब भी हम फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका क्या साइज होगा फाइल का, उस साइज को स्टोर करते हैं फाइल के साथ में। ठीक है, तो फाइल्स की जो साइज होगा वो होगा बाइट्स में होगा, ठीक है, वर्ड्स में या ब्लॉक्स में होगा। इसके बाद लोकेशन है, लोकेशन बताता है कि फाइल कहां पर स्टोर की गई है। ठीक है, तो दिस एटीट्यूड ऑफ द फाइल इज द पॉइंटर टू द फाइल एंड द लोकेशन ऑफ द फाइल वेयर द फाइल इज स्टोर्ड ऑन द डिवाइस, मीन हमारे डिवाइस के अंदर फाइल कहां पर स्टोर की गई है, तो ये इसकी लोकेशंस को बताता है। ठीक है, फिर है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन क्या होता है कि फाइल के अंदर एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन डिटरमाइंस हु कैन परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस, मीन्स एक एक्सेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से रीड राइट और एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो कौन इसको फाइल को रीड कर सकता है, कौन इसको राइट कर सकता है, कौन इसको एग्जीक्यूट करता है, तो इसकी ये परमिशन दी जाती है। ठीक है, तो कहता है प्रोटेक्शन। ठीक है, एक फाइल के लिए उसके यूजर है, उसका ग्रुप है, ठीक है, तो उनके लिए कौन कौन सी परमिशन दे सकते हैं अपन, ठीक है, रीडिंग है, राइटिंग है या एग्जीक्यूटिंग है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन होता है ये। ठीक है, इसके टाइम एंड डेट, दिस टाइप ऑफ डेटा इज यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड यूजेस मॉनिटरिंग। ठीक है, तो जो टाइम और डेट होती है ये है किसके प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है सिक्योरिटी के लिए होता है, और एक जो यूजेस हैं उसके मॉनिटरिंग के लिए होता है। इट ऑल्सो डिफाइंड द लास्ट क्वेश्चन, ये जो डेट एंड टाइम है, ये जो फाइल को हमने कब बनाया था वो बताता है। ठीक है, कब इसको लास्ट मॉडिफाई किया था तब इसके बारे में बताता है, या कब हमने एक्सेस किया है फाइल को, लास्ट एक्सेस कब हुआ है फाइल का, उसके बारे में ये बताता है, उसका डेट एंड टाइम को ये बताता है।
ठीक है। इसके बाद यूजर आईडी, दिस शोज द क्रिएटर, ठीक है, फाइल को किसने बनाया, ठीक है, उसके बारे में बताता है कि फाइल का यूजर कौन है, ठीक है, या उसका यूजर आईडी कौन है, जिसने फाइल को बनाया है वो इसका यूजर होगा, ठीक है, उसके बारे में बताता है कि फाइल का यूजर कौन होगा, ठीक है। फाइल एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स और होते हैं सब फाइल के, जैसे है रीड ओनली है, हिडन है, आर्चीव है, रीड ओनली, इट स्पेसिफाइज दैट द फाइल कैन बी ओपन ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। ये रीड ओनली क्या होता है, केवल फाइल को अपन रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, इसमें रीड ओनली सेट करते हैं एट्रीब्यूट उसका। फिर एक हिडन है, हिडन एट्रीब्यूट सेट करने से क्या होगा कि फाइल हिडन हो जाती है, उसको यूजर नहीं देख सकता, ठीक है। इसके बाद एक आर्चीव फाइल है, दिस इज एट्रीब्यूट ऑफ ए, इफ दिस एट्रीब्यूट ऑफ ए फाइल इज सेलेक्टेड देन द फाइल बैकअप ऑफ बैकअप फाइल इज क्रिएटेड। तो इसकी बैकअप फाइल क्रिएट करने के लिए अपन इसका आर्चीव एट्रीब्यूट सेट करते हैं, ये इसके एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। इसके बाद ऐसा फाइल ऑपरेशन, तो फाइल के ऊपर एक जब फाइल क्रिएट करते हैं तो उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, तो उसमें एक फाइल क्रिएशन, फाइल क्रिएटिंग ए फाइल, ये फाइल को क्रिएट करना, ठीक है। तो इस पर टू स्टेप्स में होता है, जब फाइल हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए तो ये अवेलेबल फ्री स्पेस होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि हम जहाँ फाइल को क्रिएट कर रहे हैं उस जगह जगह होनी चाहिए फाइल क्रिएट करने के लिए, फाइल स्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर हम जस्ट डायरेक्टरी में इसको स्टोर कर रहे हैं फाइल को, उस फाइल की एंट्री वहां उस डायरेक्टरी में होनी चाहिए, ठीक है। उस डायरेक्टरी की जो एंट्री होगी उस एंट्री के साथ में उसकी फाइल का नेम है, फाइल का साइज है, एक्सटेंशन नेम, टाइप वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ में स्टोर होनी चाहिए डायरेक्टरी के अंदर, उस फाइल के बारे में सारी जानकारी उसमें स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग ए फाइल है, किसी फाइल को राइट करना है, ठीक है, तो वहां अपन यूज करते हैं राइटिंग ए फाइल, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई फाइल है हम उसको राइट कर रहे हैं, या हम कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसकी इन्फॉर्मेशन को हम और अपेंड कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये सारी किस में आते हैं, राइटिंग ए फाइल। तो फाइल को अपन राइट करने के लिए अपन कर सकते हैं इसमें, ये ऑपरेशन होगा फाइल के ऊपर। दूसरा है फाइल एक रीडिंग ऑपरेशन है, फाइल को अपन रीड कर सकते हैं, ठीक है, इसी फाइल को अपन रीड करते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन को, वहां किसी एग्जिस्टिंग फाइल से इन्फॉर्मेशन से रीड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए है रीडिंग ए फाइल, हम उसको फाइल को रीड कर सकते हैं। फिर है डिलीटिंग ए फाइल, हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टरीज भी एक फाइल की तरह वर्क करती है, उसको डिलीट कर सकते हैं, तो फाइल को डिलीट करना भी एक फाइल का ऑपरेशन होगा। जिसमें रीपोजिशनिंग ऑफ द फाइल, मीन्स फाइल को रीपोजिशनिंग करना, फाइल की पोजिशन चेंज करना, मीन्स फाइल को एक जगह दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, कॉपी करना, तो ये सारी रीपोजिशनिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, फाइल के करंट जो पॉइंटर्स होगा उसका, उसको न्यू लोकेशंस पर पॉइंटर को ले जाएगा और वहां उसकी लोकेशन उसकी उसको अपडेट कर देगा, न्यू लोकेशंस के साथ उसको पॉइंटर को अपडेट कर देगा। फिर इसमें फाइल्स की टाइप्स के बारे में बताया है, इसमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, एक होती है ऑर्डिनरी फाइल्स होती है, ऑर्डिनरी फाइल्स में क्या है, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं जो फाइल क्रिएट होती है ऑर्डिनरी फाइल्स कहलाती है, जैसे टेक्स्ट फाइल है वो ऑर्डिनरी फाइल्स होती हैं, ठीक है, कोई भी कमांड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो भी ऑर्डिनरी फाइल होती है, ठीक है। द यूजर कैन अप्लाई वेरियस ऑपरेशंस ऑन सच फाइल लाइक ऐड, मॉडिफाई, इन जो ऑर्डिनरी फाइल्स के ऊपर है एक यूजर ऐड कर सकता है इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई कर सकता है, इसको डिलीट कर सकता है, इसको रिमूव कर सकता है, ठीक है, उसकी कॉपी कर सकता है, तो सारे ऑपरेशन हम इस ऑर्डिनरी फाइल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक डायरेक्टरी फाइल है, दीज फाइल्स कंटेन लिस्ट ऑफ फाइल्स नेम्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टरीज क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ फाइल्स को स्टोर करने के लिए एक डायरेक्टरी यूज करते हैं, जैसे फोल्डर कंसेप्ट होता है विंडोज के अंदर, ठीक है, वैसे एक डायरेक्टरी कंसेप्ट होता है, उस डायरेक्टरीज के अंदर बहुत सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, ठीक है, उस फाइल्स के साथ में जो कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है प्रत्येक फाइल की, जैसे फाइल का नेम है, फाइल की टाइप एक्सटेंशन है, उसकी साइज है, फाइल की डेट है, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें इस होती है, ये फाइल्स कहां से होती है, डायरेक्टरी के अंदर। फिर आता है स्पेशल फाइल्स होती हैं, कुछ स्पेशल फाइल्स होती हैं, जैसे दीज फाइल्स आर आल्सो नॉन एज डिवाइस फाइल, जैसे जो भी फिजिकल डिवाइसेस होते हैं सिस्टम के साथ में अटैच जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उन सबकी एक फाइल अलग अलग फाइल्स होती है, हर डिवाइस की एक अलग फाइल होती है, ठीक है। तो अब इस फाइल्स जैसे इसमें जो फिजिकल डिवाइसेस लाइक है डिस्क है, टर्मिनल्स है, पॉइंट प्रिंटर्स हैं, नेटवर्क्स, टेप ड्राइव्स इत्यादि, ये सभी जो डिवाइसेस हैं इन सबकी डिवाइस की फाइल्स होती हैं, ठीक है। दीज फाइल्स आर अप टू टाइप्स, ये फाइल्स भी कैसी होती हैं, दो कैटेगरीज में, दो प्रकार की होती हैं, एक तो करेक्टर स्पेशल फाइल्स, जहां पर करेक्टर पर करेक्टर इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है, ठीक है, एक होता है ब्लॉक फाइल, जहां पर एट ए टाइम एक ब्लॉक को रीड राइट किया जाता है, ठीक है, तो करेक्टर टाइम के तो डाटा इज हैंडल्ड करेक्टर बाई करेक्टर एज इन द केस ऑफ टर्मिनल और प्रिंटर्स, जिसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रिंटर,
प्रिंटर में हम करेक्टर बाई करेक्टर अपन डेटा एक्सेस करते हैं या डेटा भेजते हैं, ठीक है, डेटा भेजते हैं, ठीक है, प्रिंटर से तो डेटा ही भेजा जाएगा, ठीक है। दूसरा है ब्लॉक सीपीएल फाइल्स में, तो ब्लॉक के अंदर आता है इसमें डिस्क एंड टेप्स। डिस्क एंड टेप्स में डेटा अपन ग्रुप एक ब्लॉक के रूप में डेटा को राइट करते हैं, ब्लॉक के रूप में डेटा को रीड करते हैं, ये होता है ब्लॉक फाइल्स। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फाइल टाइप्स के, जैसे बैच फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल हैं, तो बैच फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो है बैट है या एसएच होगा, ठीक है। इसको कमांड्स टू द कमांड इंटरप्रेटर, तो कमांड इंटरप्रेटर्स फाइल्स होती हैं ये वाली, ठीक है। टेक्स्ट फाइल है जिसमें टीएक्सटी फाइल होती है, डॉक्यूमेंट डीओसी होता है, वर्ड प्रोसेसर की फाइल्स हैं एक्सएमएल टीआर आरटीएफ है या डीओसी एक्स है, ये सभी फाइल्स के एक्सटेंशन नेम है, वर्ड प्रोसेसर की फाइल्स हैं। आरचीव फाइल में रार फाइल होती है, जिप फाइल होती है, टार फाइल होती है, ये सभी फाइल्स कहती हैं आरचीव फाइल्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव फाइल्स में ईएक्सई होता है, एक्सटेंशन नेम है, कॉम है, बिन है, मींस बाइनरी फाइल्स हैं। ऐसे ही प्रिंट फाइल्स हैं, प्रीव्यू फाइल्स हैं, जो व्यू फाइल्स हैं, सपोज व्यू फाइल्स हैं, ठीक है, जिनको अपन केवल व्यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जीआईएफ है, जैसे पीडीएफ फाइल्स हैं, ठीक है, जेपीजी फाइल है, जेपीईजी फाइल्स हैं, ये सभी कैसी है व्यू फाइल्स कहलाती हैं या प्रिंट फाइल्स कहलाती हैं। फिर है मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, जैसे एमपीईजी है, एमओवी है, एमपी3, एमपी4, एवीआई फाइल्स हैं, ये सभी कैसी हैं मल्टीमीडिया फाइल्स कहलाती हैं, ठीक है। और इनके जो फंक्शन, बाइनरी फाइल कंटेनिंग ऑडियो ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन, ये जो भी जितनी मल्टीमीडिया फाइल्स हैं ये कैसी है ऑडियो वीडियो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ ओबीजे फाइल्स होती हैं, कंपाइल्ड फाइल होती हैं, ये मशीन लैंग्वेज की फाइल्स होती हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइल्स की टाइप्स की ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है इसमें, ठीक है। देन इस प्रकार से पूरा ये फाइल सिस्टम हमारा टॉपिक कम्प्लीट होता है इसमें, ठीक है। थैंक यू।